Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक खूबसूरत सी लव स्टोरी के बारे में, जिसमें इतने सारे शानदार ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले हैं, जो कि आपको एंड तक बांध कर रखेंगे। हमीन और टियाना की रोमांटिक लव स्टोरी को देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी के मेन कैरेक्टर होमिंग से, जो कि चेयरमैन रेन का बड़ा बेटा है और रेन ग्रुप ऑफ कंपनी का जनरल मैनेजर है। होमिंग की आज एंगेजमेंट है और हमें फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मिस्टर रेन हर हालत में रोयन फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को बहुत सारा फायदा जो होने वाला है। दरअसल रोयन फैमिली का ज्वेलरी डिजाइन का बिजनेस था, जिसमें मिस्टर रेन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसलिए मिस्टर रेन चाहते थे कि उनके बेटे होमिंग की शादी रोयन फैमिली की बेटी से हो जाए, और इसलिए वो होमिंग से कहते हैं कि शादी में आए लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं लगनी चाहिए कि तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो इससे तो उनकी बदनामी तो होगी, साथ ही साथ उनकी कंपनी को भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है होमिंग का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रेन ने आपको बुलाया है, और इसलिए होमिंग बाहर आता है, और जिसके कॉन्फिडेंट को देख कर कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो अंधा है और देख नहीं सकता। मीनवाइल हम होमिंग के छोटे भाई हाउस वन को देखते हैं, जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है। हाउस वन होमिंग के बदले रेन ग्रुप ऑफ कंपनी का जनरल मैनेजर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्राइट टियाना को देखते हैं, और यहाँ हमें फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि दरअसल होमिंग की शादी रोयन फैमिली की छोटी बेटी और टियाना की जुड़वा बहन जिंगजिंग से फिक्स हुई थी, लेकिन जैसे ही जिंगजिंग को ये पता चला कि होमिंग ब्लाइंड है तो वो शादी करने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद टियाना की सौतेली माँ टियाना को होमिंग से शादी करने के लिए फोर्स करती है। साथ ही उसे ये भी धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो टियाना के बीमार बाप को मार डालेगी। हाउ मीन। दोस्तों असल में टियाना की स्टेप मॉम टियाना की कंपनी को हड़पना चाहती थी, और इसलिए वो टियाना को अपने रास्ते से हटा रही थी, जिसमें शिंगशिंग भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि टियाना को ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, और इसलिए वो एंगेजमेंट के बाद भागने का प्लान करती है, साथ ही एक बैग में अपना सारा सामान पैक कर रख लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर अपने सेक्रेटरी की हेल्प से होमिंग पहुँच जाता है, जो कि टियाना को शिंगशिंग समझकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाहर मेरे साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं और स्टेज पर एंट्री लेते हैं। होमिंग ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे कि उसका सेक्रेटरी उसे गाइड कर रहा था। यह हमारा हीरो इतना बिंदास चल रहा था कि उसको देखकर वहां मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि वो अंधा है। दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं और असिस्टेंट होमिंग को गाइड करता है, और दोनों की वहां पर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सेक्रेटरी होमिंग को बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है, जो वो टियाना को पहनाने जाता है, लेकिन तभी सेक्रेटरी के सामने एक मोटा सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि वो होमिंग को ठीक से काइट नहीं कर पा रहा था, और होमिंग के हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन टियाना बात को संभाल लेती है और रिंग उठाकर होमिंग के हाथों में पकड़ा देती है, और इस तरह से उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब टियाना अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग रही थी, तो उसे होमिंग का सेक्रेटरी आकर रोकता है और अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर टियाना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। सेक्रेटरी उसे शिंगशिंग का वही एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिंगशिंग होमिंग के साथ उसके घर पर ही रहेगी, जिसका साफ मतलब है कि शिंगशिंग और उसकी स्टेप मॉम ने ही होमिंग के साथ टियाना को फंसाने के लिए ये स्पेशल एग्रीमेंट बनवाया था, ताकि वो टियाना को अपने रास्ते से ही हटा दे। बेचारी हीरोइन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो इसलिए उसे होमिंग के घर जाना पड़ जाता है, जहां होमिंग टियाना से कहता है कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, और इसलिए अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें भारी भरकम कंपनसेशन अमाउंट भरना पड़ेगा। ये सुनकर तो टियाना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। लेकिन अभी होमिंग का सेक्रेटरी आकर फिर से उसको जगाता है और कहता है कि होमिंग ने उसे बुलाया है, क्योंकि उसे होमिंग के लिए खाना बनाना है, और ये सुनकर तो टियाना बेचारी अपने उदास मन को लेकर नीचे पहुंच जाती है। लेकिन नीचे आकर वो देखती है कि टेबल पर तो जिंदा फिश पड़ी थी, जिसे देखकर तो बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन होमिंग उसे वो पकाने के लिए कहता है, जहाँ टियाना बोलती है कि उसे फिश पकाना नहीं आता, और होमिंग फिर उसे कीरी से हेल्प लेने के लिए कहता है, और उसके बाद टियाना
कीरी से हेल्प लेकर सारे मसालों को एक एक करके इकट्ठा करती है और धीरे धीरे करके टेबल पर रख रही होती है। और फिर वो जैसे ही किचन में चली जाती है, होमिंग को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और वो मसाले के पानी को ही नॉर्मल पानी समझकर पी लेता है, जिससे कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पानी पानी चिल्लाने लग जाता है। साथ ही हड़बड़ी में वो टेबल पर रखी फिश कंटेनर में हाथ डाल देता है और फिश उसकी उंगली पर चिपक कर उसको बहुत बुरी तरह से काट लेती है। जैसे ही टियाना भागते हुए किचन से पानी लेकर आती है, वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि ये फिश काटती भी है। और फिर होमिंग सॉल्ट वाटर की हेल्प से अपनी फिंगर से फिश को बाहर निकाल लेता है। रात के टाइम पर टियाना रूम में थी और अपनी ज्वेलरी को एक कॉलीवन नाम की एक वेबसाइट पर देख रही थी, जहां हमें ये पता चलता है कि उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो कि तुरंत बिक भी जाती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। जहाँ पर तभी होमिंग का सेक्रेटरी आकर उसे बोलता है कि बॉस ने आपको बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर टियाना बोलती है कि तुम्हारा बॉस क्या कोई छोटा बच्चा है जिसे नहाने में भी मेरी ही हेल्प चाहिए, जाकर उसे बोल दो कि मैं नहीं आऊंगी। जिसके बाद सेक्रेटरी फिर से उसे साइन किया हुआ एग्रीमेंट याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टियाना की सौतेली माँ डॉक्टर के साथ मिलकर उसके डैड को टपकाने का प्लान बना रही थी, लेकिन टियाना के फादर की केयर टेकर टियाना को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है। और यहाँ होमिंग के बुलाने पर टियाना बाथरूम में पहुंच जाती है, जहां वो उसे अपनी जख्मी उंगली दिखाते हुए कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ तुम हो, और इसलिए अब तुम्हें मेरी नहाने में भी हेल्प करनी पड़ेगी। टियाना होमिंग के कपड़े निकालने में हेल्प करती है और उसकी बॉडी देखकर धीरे से कहती है, अच्छा तो इसने एप्स भी बना रखे हैं। फिर बाथटब में जाने के बाद भी होमिंग को वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो टियाना से हेल्प मांगता है, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वो होमिंग के साथ ही बाथटब में गिर जाती है, जिससे कि दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये सीन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। वेल तो होमिंग जल्दी से टियाना को पीछे करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना, लेकिन वो कहती है कि बस मेरा पैर फिसल गया था और मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया। बट होमिंग बोलता है कि रहने दो, अब नाटक करना बंद करो और तुम ये बताओ कि मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो और तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जहाँ टियाना से कहती है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी आंखें ही बन जाती हूँ। जिसके बाद वो बाहर आकर अपने रूम में बैठ जाती है और अपने स्टेप मॉम की प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर आए, वरना उसके फादर की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। जहाँ पर तभी होमिंग आकर उसे एक फाइल देता है जिसमें कुछ कंपनी और जगहों के नाम लिखे हुए थे, साथ ही वो कहता है कि इन सबको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि कल हमें एक पार्टी में जाना है, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी आंखें बनोगी और इसलिए ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे ही टियाना नेक्स्ट मॉर्निंग सोकर उठती है और सामने एक लड़के को देखकर बहुत पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो तो स्टाइलिश था और उसे होमिंग ने टियाना को तैयार करने के लिए भेजा था। रेडियो गर्ल जब नीचे आती है तो बोलती है होमिंग से, काश तुम मुझे देख पाते क्योंकि मैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। जैसे ही वो पार्टी में जाते हैं, सारे गेस्ट फिर होमिंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ टियाना उसे गाइड कर रही होती है जैसे कि उनकी डील हुई थी। वहाँ पर होमिंग का भाई भी होता है और टियाना की बहन भी यानी शिंगशिंग भी आई हुई होती है, जिनकी बातों से होमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद हाउस वन अपने ही भाई को गिराने के लिए वहाँ पर एक ट्रॉली को धक्का मार देता है, लेकिन टियाना बीच में आ जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है और वो भी उसे पकड़ लेता है। वहीं टियाना की हील टूट जाती है और शिंगशिंग उसका सबके सामने मजाक बनाते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी हील्स घटिया क्वालिटी की थी। लेकिन तभी हमारा ब्लाइंड हीरो आता है और टियाना को गोद में उठाकर उस पार्टी से बाहर चला जाता है, जिसके बाद लोग तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, साथ ही उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये कपल कितना ज्यादा क्यूट और कितना ज्यादा रोमांटिक है। घर पहुंचने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। होमिंग बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी और आज से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये सुनकर तो टियाना भी बहुत खुश हो जाती है और यहाँ होमिंग उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है, बिकॉज हेल्थी फ्लर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में टियाना होमिंग की असिस्टेंट की हेल्प से फादर को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है। रात के टाइम को बुक पढ़ते पढ़ते ही अपने रूम में सो जाती है, जहां होमिंग आकर उसे थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि उसने इतनी ज्यादा उसकी हेल्प जुगी थी, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि वो सो गई है। तो जैसे ही वो उसके पास ये कंफर्म करने के लिए जाता है कि वो सच में सो गई है, तो वो डैड डैड करकर बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही होती है, तो इसलिए वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है तो वो शांत हो जाती है और जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है और छोड़ ही नहीं रही थी। हाथ छुड़ाने के चक्कर में दोनों की गलती से पहली किस हो जाती है, जिससे कि हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा शर्मा गया था, लेकिन हीरोइन तो मस्त खराटे लेकर सो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंगशिंग और उसके स्टेप मॉम डैड के बारे में पूछने के लिए होमिंग के घर आते हैं, लेकिन टियाना वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बताती है।
जहां इस दौरान मौके का फायदा उठाकर शिंगचिंग टियाना की ज्वेलरी की डिजाइन चुरा लेती है और उसके बाद शिंगचिंग डिजाइन को क्लाइंट को भी बेच देती है, जिसे हमिंगा छोटा भाई हसवान और शिंगचिंग साथ में मिलकर अपने नाम करवा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमिंग और टियाना साथ में बैठे हुए थे, जहां पर टियाना की ड्रामा देख रही होती है कि तभी एक रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है और वो वॉल्यूम को धीमा कर लेती है, जहां हमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक ड्रामास देखना अच्छा लगता है। बेचारी हमारी हीरोइन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मैं ये सीन नहीं देख रही थी और ये तो इसमें अचानक से आ गया, और उसके बाद वो टॉपिक को चेंज कर देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही टियाना को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, वो फटाक से वहाँ पे पहुँचती है। शिंगचिंग भी वहाँ पर पहुँच गई थी और इसलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाती है, जो कि हम इनके भाई यानी हाउस वाइफ को कॉल करके बताती है कि डैड तो यहाँ पर है ही नहीं, और फिर वो बाहर चली जाती है। लेकिन गुंडे को शक हो जाता है कि पर्दे के पीछे कोई तो है, और इसलिए जैसे ही वो पर्दा हटाने जाता है तो हॉमिंग अगर उसे मार देता है। बेचारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा डर गई थी और हॉमिंग के गले ही लग जाती है, जहाँ वो उसे कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट डे टियाना अपनी ज्वेलरी का डिजाइन बना रही थी, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो हॉमिंग के साथ फ्यूज चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर अंधेरे में हॉमिंग को टियाना का चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था, साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि टियाना को ये रियलाइज हो गया है कि उसे हॉमिंग से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे हॉमिंग बहाने से टियाना के पास आता है और उसे अपनी टाई बांधने को कहता है, और साथ ही उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है ये बोलकर कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो और इसलिए मेरे साथ चलो क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन तभी ये पता चलता है कि हॉमिंग के भाई हाउस वान ने उसे धोखा दिया है और वो खुद सीईओ बन गया है, साथ ही उसने हॉमिंग का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया है। हॉमिंग और टियाना के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो इसलिए फिर उनका सेक्रेटरी उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, साथ ही रिक्वेस्ट भी करता है, जिसके बाद वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो जाते हैं। और हॉमिंग बोलता है कि हम खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे, लेकिन हमारी हीरोइन को खुद खाना बनाने का मन था तो इसलिए वो बोलती है कि मैं खुद बनाऊंगी, साथ ही खाना बनाते बनाते अपना हाथ भी जला लिया, जहाँ हॉमिंग उसके हाथ को बड़े प्यार से सहलाता है, जिसके बाद टियाना उसे बोलती है कि ये हाथ नहीं मेरा दूसरा हाथ जला है। फिर हॉमिंग उसे भी सहलाने लग जाता है, और जहाँ हॉमिंग का इतना ज्यादा केयरिंग रूप देखकर टियाना तो उसके प्यार में ही डूब जाती है। वही अब हॉमिंग को धीरे धीरे धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था, लेकिन वो टियाना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जब एक दिन वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जिसे टियाना देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें दिखाई देने लग गया है, लेकिन वो उसे बहाना बनाता है और कहता है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है और इसलिए बिना देखे ही बना सकता हूँ। जहाँ तभी हॉमिंग को अपने भाई के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे कि हॉमिंग का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के भाई हाउस ऑन ने ही करवाया है, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सारे सबूत लेकर अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका भाई भी बैठा हुआ होता है। हॉमिंग उससे कहता है कि तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीनने के साथ साथ तुमने मेरे ऑफिस का सील भी मेरे रूम से आकर चुरा लिया, और साथ ही तुमने मेरे सारे शेयर भी बेच डाले, और मेरे पास इन सबका सबूत भी है। ये सुनने के बाद तो फादर हॉमिंग के भाई पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, लेकिन हाउस वन कहता है कि आपने ये तो कहा था डैड कि हमें सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ना कि इस बात से कि हम उसे किस तरह से हासिल कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। मिस्टर रैन कहते हैं कि हॉमिंग तुम्हारा ही भाई है और तुमने अपने भाई के साथ में ही धोखा किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हॉमिंग फिर अपने डैड पर ही चलाने लग जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपने अपनी कंपनी को हमेशा हमसे ज्यादा ही अहमियत दी है, जिस कारण से ये घर हमारे लिए लड़ाई का मैदान बन गया है, और इसी मजबूरी की वजह से हाउस वन को शायद ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन डैड तो हाउस वन पे गुस्सा ही किए जा रहे थे और उसे बोलते हैं कि तुम तो मेरी इस कंपनी में खड़े होने के लायक ही नहीं हो। हाउस वन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी भड़ास हॉमिंग के ऊपर निकालने के लिए उसे लड़ने लग जाता है, जिससे कि उसका सर टेबल से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही टियाना शोर सुनती है, वो भी फटाक से ऊपर आती है, और उसके बाद वो लोग हॉमिंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ हॉमिंग का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हो सकता है कि इसकी आंखों की रोशनी अब वापस आ जाए। जहाँ टियाना भी सोच रही होती है कि जैसे ही हॉमिंग को होश आ जाएगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगी कि वो शिंगचिंग नहीं बल्कि टियाना है और उसे बहुत प्यार करती है। वहीं जैसे ही शिंगचिंग को ये पता चलता है कि हॉमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, तो वो टियाना को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, और इसलिए जब टियाना रास्ते से जा रही होती है तो शिंगचिंग के भेजे हुए गुंडे उसे आकर घेर कर बेहोश कर किडनैप कर ले जाते हैं। वहीं शिंगचिंग भी अब पूरी तरह से टियाना बनकर रेडी हो चुकी थी। जैसे ही टियाना को होश आता है तो वह खुद को वहाँ पर बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर एक गुंडा उसकी फोटो खींचता है और उसके हाथ खोलकर उसे कुछ खाने के लिए देता है।
वही टियाना को अब गायब हुए 2 दिन हो चुके थे और जैसे ही सेक्रेटरी उसे ढूंढने के लिए जाता है तो सामने से शिंग शिंग जो कि टियाना बनकर वहाँ पे पहुँच चुकी थी वो सेक्रेटरी से बाहर जाकर आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहीं पर हूँ और हमिंग का ध्यान रख लूंगी। साथ ही हमिंग के पास बैठे हुए अपने मन में बोल रही होती है कि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम फाइनली असली वाली शिंग शिंग से मिलोगी जो कि मैं हूँ। जैसे ही फिर हमिंग को होश आता है और फाइनली उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी वो शिंग शिंग को देखता है काफी खुश था, जहाँ शिंग शिंग भी उसे नकली खुशी दिखाने की एक्टिंग करने लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमिंग शिंग शिंग के हाथ को पकड़ने के बाद उसे काफी अजीब फील हो रहा होता है और जब शिंग शिंग वहाँ पर उसे किस करने की कोशिश करती है तो वो सर दर्द का बहाना बना देता है और शिंग शिंग वहाँ से चली जाती है। हमिंग सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है जो कि उसे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के महक और उनके टच से उन्हें पहचान जाते हैं। नेक्स्ट डे शिंग शिंग हमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में उसके लिए केक ऑर्डर करती है। दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शिंग शिंग उसके साथ में रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार भी हमिंग बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको फिर से अजीब फीलिंग आ रही थी कि ये वो लड़की नहीं है जिसे वो पसंद करता है। नेक्स्ट डे जैसे ही टियाना न्यूज में हमिंग और शिंग शिंग को साथ में देखती है तो समझ जाती है कि टियाना को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंग शिंग ही है। साथ ही हमिंग ने ये भी अनाउंसमेंट करवा दी थी कि अब रन ग्रुप और रुवान ग्रुप साथ में हैं और वो ज्वेलरी कंपटीशन में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमिंग के डैड ने अपनी सारी कंपनी की जिम्मेदारी हमिंग को सौंप दी थी और साथ ही वो हाउस वॉन की गलती के लिए उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हाउस वॉन ने अपनी गलती मान ली है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं हाउस वॉन जो कि अपने बचपन की फोटो देख रहा होता है जिसमें दोनों भाई साथ में होते हैं और उसको देखकर वो कहता है कि हमिंग मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है जिसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है और अब जाकर फाइनली मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिल गया है। वहीं नेक्स्ट डे जब वो गुंडा टियाना के लिए खाना लेकर आता है तो साथ में वो अपने 7 पैसों भरा बैग भी लेकर आया था और जैसे ही वो पैसों को काउंट करना शुरू करता है तो उसे बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, जिस पर टियाना से पूछती है लगता है कि तुम्हें कोई एलर्जी है तो वो बताता है कि हाँ उसे नोटों से प्रॉब्लम होती है और ये सुनकर तो टियाना फिर उसकी काउंटिंग करने में हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे वो काउंटिंग करना शुरू करती है लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए वो कुछ पैसे नीचे फेंक देती है जिससे कि गुंडा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जब वो पैसे को उठाने लगता है तो टियाना उसके सर पर कुर्सी मारकर उसे घायल करके वहां से भाग जाती है। ये हुई ना बात स्मार्ट गर्ल की। वहीं जब शिंगचिंग को पता चलता है कि टियाना जिंदा थी और उसे बस उसके स्टेप मॉम ने किडनैप करवाया था, उसे मारा नहीं था, तो वो बहुत गुस्सा करने लगती है उन पर और साथ ही गुंडों पर भी भड़कने लगती है। हमारी हीरोइन जो कि फाइनली कैद से छूट चुकी थी वो हमिंग को कॉल करना चाहती थी, उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि क्या हमिंग को उसकी बातों पर यकीन होगा और अगर सच में वो उसे प्यार करता होता तो अब तक तो वो शायद शिंगचिंग को भी पहचान चुका होता। ये सब कुछ सोच कर वो काफी दुखी हो जाती है और उसके बाद फिर वो उसी घर में पहुंच जाती है सेक्रेटरी के जहां वो हमिंग के साथ में रह रही थी। वहां पर उसे ज्वेलरी कंपटीशन का फॉर्म मिलता है जिसे लेकर टियाना कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। वही शिंग शिंग बहुत ज्यादा परेशान घूम रही थी क्योंकि उसके गुंडे टियाना को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर हमिंग आता है और उसे कहता है कि तुम अवार्ड फंक्शन में जाना भी चाहती हो या नहीं और वो हाँ बोलती है, जहाँ से दोनों सीधा अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं। फंक्शन में पहुंचने के बाद वहां के विनर को घोषित किया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टियाना होती है, लेकिन उसने मास्क लगाकर रखा था जिसकी वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। बट जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है तो शिंग शिंग टियाना को देखकर तो बहुत बुरी तरह से चौंक जाती है। साथ ही वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहने हैं, ये बात तो सिर्फ हमिंग को ही पता था और कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आज ये राज खुल जाता है, सबको पता चल जाता है कि टियाना ही और लीवा है और हमिंग को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। दोनों साथ में आ जाते हैं और शिंग शिंग नाटक करने लग जाती है, कहती है कि जब से तुम्हें होश आया है मैं ही तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि भाई वो अच्छे से जानती थी कि उसका भांडा तो फूट चुका है। लेकिन हमिंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टियाना हो या फिर शिंग शिंग हो, क्योंकि मैं तो टियाना से प्यार करता हूँ तुमसे नहीं, और साथ ही मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल गया था और इसलिए मैं तुमसे इतना दूर रह रहा था जब भी तुम मेरे पास आ रही थी उस टाइम। जिसके बाद टियाना की किडनैपिंग के केस में शिंग शिंग को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और लास्ट में हमिंग और टियाना साथ में रहने लग जाते हैं और हमिंग टियाना को बहुत ही अच्छे और रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है, जिसके बाद गाइस इस कहानी का दी एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक रोमांटिक हॉरर मूवी स्पेलबाउंड की। स्पेलबाउंड एक सुपरनैचुरल हॉरर रोमांटिक मूवी है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है हमारे लीड कैरेक्टर जॉन से। जॉन एक स्ट्रीट म्यूजिशियन है, जहाँ एक शो के दौरान उसकी नज़र एक शांत बैठी हुई लड़की सैरी पर पड़ती है। सैरी को देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। फिर जब जॉन सैरी से बात करने के लिए उसका पीछा करता है, तो इसी दौरान उसे एक हॉरर मैजिक शो करने का आइडिया आता है, जिसके लिए वो सैरी को अपनी टीम में कास्ट कर लेता है। तो यहाँ अगर बात करें सैरी की, तो वो बहुत ही डरी डरी सी सहमी सी लड़की है, और वो लोगों के साथ में ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं है। फिर इन दोनों को साथ में काम करते करते एक साल बीत जाता है। जॉन का हॉरर मैजिक शो वाला आइडिया काम कर गया था, तो अब जॉन एक बड़े से थिएटर में अपना शो करता है। जॉन की टीम में सैरी के अलावा डोंगर ली भी थे, जॉन ली के साथ में रिलेशन में था। हर शो के बाद में वो अपने क्रू को डिनर करवाने के लिए लेकर जाया करता था, लेकिन हमेशा ही अनजान कारण से सैरी हर बार जाने से मना कर दिया करती थी। सैरी घर आकर अपनी मॉम से बात करती है, जो कि उसकी बहन के साथ नॉर्वे में ही रहा करती थी। वही फिर हम देखते हैं कि सैरी के कमरे में एक टेंट लगा हुआ था, जिसमें वो सोती थी। और दोस्त सैरी के पास ये सुपर पावर थी कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती थी। बीच रात में सैरी के पास सच में एक माँ और बच्चे की आत्माएं आती हैं। फिर मॉर्निंग में सैरी उस जगह पर जाती है जहाँ वो दोनों मरी थी। फिर वही वो पुलिस को कॉल करके ये बता देती है कि उन दोनों का मर्डर हुआ था। बेसिकली सैरी यहाँ पर आत्माओं की मदद किया करती थी। सैरी को आत्माएं क्यों दिखती है और आत्माओं की मदद करने के बाद भी वो डरी डरी से क्यों रहती है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब तो आपको वीडियो में आगे मिल ही जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वेल, तो नेक्स्ट डे शो के बाद में जॉन सैरी को अपने क्रू के साथ में जबरदस्ती डिनर पर ले जाता है, जहाँ डिनर के दौरान सब लोग ड्रिंक करते हैं और सैरी नशे में अपने एक रूम मेंबर का मजाक उड़ाने लग जाती है। सैरी इतनी ज्यादा नशे में थी कि वो जॉन का शर्ट भी फाड़ देती है, लेकिन थोड़ा होश में आने के बाद सैरी जॉन से माफी मांगने के साथ उसे ये बताती है कि पीने के बाद वो होश में रहती ही नहीं है। फिर वो सबसे माफी मांगती है और वहाँ से चली भी जाती है। मॉर्निंग में जॉन अपनी गर्लफ्रेंड यानी ली को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पूरे रास्ते जॉन सैरी की ही बातें कर रहा था। लेके जाते ही जॉन को सैरी का कॉल आ जाता है, जो कि कल रात के लिए सैरी जॉन से माफी मांगते हुए उसे एक नया शर्ट गिफ्ट करने का प्रॉमिस भी कर देती है। लेकिन तभी पोस्टर में से एक डरावनी आत्मा निकलकर सैरी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सैरी उसे जग पुकारती है। जहां इस दौरान सैरी कॉल पर थी, तो जॉन उसके घर आ जाता है ये देखने के लिए कि सैरी ठीक है या फिर नहीं। वहीं जॉन को सैरी के घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती है। सैरी उसे समझा रही थी कि वो बच्चा उसके पड़ोस में ही रहता है और वो अक्सर उसके घर में छुपने के लिए पहुंच जाता है। फिर जॉन उस लड़के को ढूंढने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि उस बच्चे की आत्मा एक कबर्ड में छुपी हुई है। फिर वहीं उस कबर्ड के पास में जॉन बैठकर उस बच्चे की आत्मा के बाहर आने का वेट करने लग जाता है। और जब वो बच्चा जैसे ही उस कबर्ड से बाहर आता है, तो जॉन उसे ठप्पा करके डरा देता है। जॉन अपने घर में आके सो गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके घर में दौड़ रहा है। फिर चेक करने पे जॉन को उसी बच्चे की आत्मा देखती है, जिसके साथ वो सैरी के घर पर मस्ती कर रहा था। लेकिन अब मस्ती करने का टाइम उस बच्चे की आत्मा का था और वो बहुत ही ज्यादा डराता है। वो जॉन को बहुत ज्यादा डरा देता है। जब जॉन उस बच्चे की आत्मा को अपनी पीठ पर बैठा हुआ देखता है, तो वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और घर के बाहर भाग कर सैरी को अपने पास बुलाता है। फिर जब सैरी जॉन को सच बता देती है कि उसे लोगों की आत्माएं दिखती हैं और वो बच्चा भी एक आत्मा है, तो वो दोनों घर में जाकर उस बच्चे की आत्मा को ढूंढने लग जाते हैं। और अचानक से उस बच्चे का हाथ जॉन के कंधे पर आ जाता है। जॉन की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन जब सैरी उस बच्चे का हाथ को टच करती है, तो वहां पर उसे एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। फिर दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आकर कार के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस बच्चे के डैड जिंदा मिलते हैं और उस बच्चे की मौत बैक सीट पर ही हो गई थी। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके दोनों उस बच्चे के डैड की जान बचा लेते हैं, और जाने से पहले उस बच्चे की आत्मा उसकी हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर एक नदी के पास में आकर सैरी अपनी बैक स्टोरी जॉन को बताती है, जहाँ वो कहती है कि जब वो स्कूल में थी, तो उनका स्कूल बस नदी में गिर गया था। लेकिन रेस्क्यू टीम वालों ने सभी बच्चों को बचा लिया था, पर सैरी और उसकी दोस्त जॉन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। जो रेस्क्यूअर था, वो सबसे पहले इलाज के लिए सैरी को अपने साथ में ले जाता है, जहां सैरी तो बच जाती है, लेकिन जॉन की जान चली जाती है।
यानी कि अगर रेस्क्यूअर ने पहले जंग की जान बचाई होती तो जंग भी जिंदा होती और सरी की मौत हो जाती। फिर इस इंसिडेंट के बाद से सरी को सबसे पहली बार जंग की आत्मा क्लासरूम में दिखाई दी थी और उसके बाद से उसे बहुत सारी आत्माएं दिखने लग गई थी और इसलिए सरी का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था, जिस वजह से उसकी फैमिली भी उससे दूर रहने लग गई थी और फिर सरी ने भी खुद को सबसे दूर कर लिया था और वो ऐसे चुप चुप रहने लग गई थी। रेस्क्यूअर ने उसे पहले क्यों चुना था, यहाँ पर इसका जवाब भी सरी के पास नहीं था। वेल तो नेक्स्ट डे जॉन मार्केट में घूम रहा था तो उसे सरी एक आदमी के साथ में लंच करते हुए दिखाई देती है। दरअसल सरी एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, जहाँ पर सरी को देखकर जॉन भी समझ जाता है कि इस अजीब से दिखने वाले खड़ूस इंसान से ही सरी डरी हुई है। फिर जब सरी उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है तो जैन उस आदमी के पास जाकर वहाँ उसे ये बता देता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन और सरी एक साथ में लंच कर रहे होते हैं और इसी दौरान जॉन सरी को उसके दोस्त यानी कि कीवो के साथ में डेट करने की सलाह देता है, क्योंकि उसका दोस्त एक्स मरीन होने के साथ साथ में मटेरियल आर्ट में भी चैंपियन था। फिर सरी जॉन के साथ में कीवो से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ कीवो और सरी आपस में बात करते हैं और वो काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। लेकिन उनके बीच के नजदीकी को देखकर तो जॉन को बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ वो अपने दोस्त की बुराई सरी के सामने करने लग जाता है, लेकिन सरी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो लोग आत्मा वाली बातें भी कीवो को बता देते हैं कि सरी को आत्माएं दिखाई देती हैं, जहाँ कीवो भी बहुत चौड़ में बोलता है कि उसे तो आत्माओं से डर ही नहीं लगता। फिर तभी कीवो को एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। जब वो लिफ्ट में था तो उसकी चौड़ को सही करने के लिए जंगी आत्मा उसके पास आकर उसे डराने लग जाती है और भाई डर के मारे तो कीवो की हालत ही खराब हो गई थी। फिर जब काफी देर के बाद भी जब कीवो वहाँ पर उन दोनों के पास भी नहीं आता है तो सरी पार्किंग में आती है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा डरा हुआ कीवो मिल जाता है, जो कि सरी को उसे दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही कीवो वहाँ से जाता है तो सरी अपनी हालत पर रोने लग जाती है। फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जॉन के साथ में बेसबॉल की प्रैक्टिस कोर्ट में पहुँच जाती है, जहाँ जॉन भी एक बॉल को हिट नहीं कर पाता है और ये देखकर तो सरी जॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। फिर रात के टाइम में जॉन सरी को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ ड्रिंक पीने के बाद में सरी को बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और जॉन के ऊपर वो भड़कने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन उसे सब्स्टिट्यूट चीफ समझता है, क्योंकि जब जॉन की गर्लफ्रेंड रहती है तो जॉन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फिर वहाँ नशे में सरी दूसरे टेबल पर जाकर और ज्यादा पीने लग जाती है, जिसके बाद वो फिर से एक बार जॉन की शर्ट फाड़ देती है, जहाँ पर जॉन की कंडीशन देखकर सारे के सारे कस्टमर भी शॉक्ड होकर वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन इस बार जॉन अपने साथ में एक एक्स्ट्रा शर्ट लेकर आया हुआ था। जब जॉन सरी के साथ में उसके घर आ जाता है तो सरी आत्माओं के डर की वजह से वहाँ अंदर नहीं जाना चाहती थी, तो जॉन उसे अपने घर में ले आता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन बीच रात में जंग की आत्मा आकर जॉन को हॉन्ट करने लग जाती है, तो सरी जॉन की आंखों को बंद करके उसे जंग की आत्मा को इग्नोर करके सोने के लिए बोलती है। लेकिन जॉन की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी और इसलिए दोनों कॉफी पीकर मन हल्का करते हैं और रूम में एक टेंट लगाकर सो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके हिसाब से छोटी जगह में डर कम लगता है। हाउ सिली। वेल तो नेक्स्ट मॉर्निंग ली वापस आ गई थी, जहाँ वो जॉन को सरी के साथ में टेंट में सोता हुआ देख लेती है। वैसे जॉन ने ली को सरी के बारे में सब कुछ बता रखा था और इसलिए वो जॉन पर गुस्सा नहीं होती है, लेकिन वो सरी को ताना मारने लग जाती है कि अगर उसकी लाइफ जीते जी नरक जैसी हो जाती है और उसे आत्माएं दिखने लग जाती है तो वो सुसाइड करके मर क्यों नहीं जाती। ये सब कुछ सुन के तो जॉन ली से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, जहाँ जॉन को नाराज देखकर ली समझ जाती है कि जॉन के मन में सरी के लिए फीलिंग्स है और इसलिए वो जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ली की बातों को सुनकर सरी ने भी जॉन के मैजिक ग्रुप को भी छोड़ दिया था। वहीं घर पर सरी से मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी, तो वो तीनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन का भी काम में मन नहीं लग रहा था और वो खुद को एक जगह में बंद कर लेता है। फिर डॉन की बात सुनकर जॉन सरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। सरी की दोस्त उसे तैयार करके रात में डेट पर भेजती है। सरी स्ट्रीट पर एक मैजिक शो देखते हुए उसके ऊपर आ जाती है, जहां पर उसे जंग की आत्मा हॉन्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर जॉन आकर कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जिससे कि जंग वहां से चली जाती है और क्राउड को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जॉन का एक मैजिक ट्रिक ही था।
फिर डिनर के बाद में सरी जॉन के साथ में अपने घर के बेसमेंट में आ जाती हैं, जहां वो आने से बहुत ही ज्यादा डर रही थी। बेसमेंट में यूनिक म्यूजिक सिस्टम मिलता है और रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे चमगादड़ वहाँ पर उस बेसमेंट में भर जाते हैं और दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर भागते हैं। फिर बाहर कॉफी पीने के बाद दोनों टेंट में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों खुश थे और जॉन अपने सेट पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी खुशी पर जन की काफी बुरी नजर पड़ी हुई थी और रास्ते में जॉन की कार में एक ट्रक टक्कर मार देता है। फिर कार से बाहर आने पर बिल्डिंग के ऊपर का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड उसके ऊपर गिरने लग जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और जॉन के साथ गाइस हम भी समझ पा रहे थे कि जंग जॉन को सरी से दूर रहने के लिए बोल रही थी और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरी को एक पुराना सा लॉकेट मिलता है, जिसे लेकर वो जॉन की मैजिक शो में आ जाती है। वहीं फिर मैजिक शो के दौरान ही जॉन एक ड्रॉअर में से एक आत्मा को निकालता है, लेकिन इस बार वो सच में जंग की आत्मा थी, जो कि अपने साथ में सरी को ड्रॉअर में ले जाकर बंद कर देती है। फिर ड्रॉअर खोलने पर जॉन सरी को पानी के एक चैम्बर में देखता है, जहां जॉन उस चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन जंग जॉन को हवा में उछाल कर उसे वहीं पर गिरा देती है, जिससे कि जॉन फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों वहां बैठे सभी दर्शकों को तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ जॉन के शो का एक हिस्सा है, तो इसलिए सब लोग मजे लेकर तालियां बजाने में लगे हुए थे। फिर वहीं पानी के चैम्बर में सरी को अपना पास्ट याद आने लग जाता है एंड गाइस फाइनली यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि स्कूल बस में जंग ने वही लॉकेट पहना हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले सरी को उसके घर में मिला था। दरअसल वो लॉकेट जंग की दादी ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए पहनाया था, सेम वैसे ही जैसे हमारी दादी और नानियाँ हमारी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई लॉकेट या ताबीज हमें पहनाया करती थी बचपन में। वेल, तो सरी ने काफी जिद की थी जंग से वो लॉकेट पहनने के लिए, तो जंग ने उसे अपना लॉकेट उतार कर पहना दिया था, लेकिन तभी बस पानी में गिर गई थी और सरी ने वो लॉकेट पहना हुआ था, जिसकी चमक से रेस्क्यूअर का ध्यान सरी पर पहुंच गया था और उसने जंग को बचाने की जगह सबसे पहले सरी की जान बचाई थी और वो उसे अपने साथ में ले गया था। तो अब सरी को सब कुछ याद आ गया था और वो समझ गई थी कि अगर वो लॉकेट जंग ने उसे नहीं दिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती, और इसलिए सरी वो लॉकेट जंग को पहना देती है। सरी भी पानी से बाहर आ गई थी और हॉस्पिटल में आंखें खुलने के बाद सरी जॉन के पास में जाती है, जो कि अभी भी बेहोश था, लेकिन स्टिल वो खतरे से बाहर था। जॉन की हालत का जिम्मेदार सरी खुद को मान रही थी, तो इसलिए वो अपनी माँ से बात करके नॉर्वे जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो जॉन को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। फिर जैसे ही सुबह होती है तो जॉन को पता चलता है कि सरी नॉर्वे जा रही है, तो वो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट में जाता है, लेकिन सरी जॉन की कोई बात नहीं सुनती है और वो बोर्डिंग के लिए चली जाती है। जॉन कॉल करके सरी को समझाता है और कहता है कि वो भी उसकी तरह आत्माओं से डरता है और अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो वो इस डर का मुकाबला अच्छे से कर सकेंगे। जॉन रोते हुए सरी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सरी जॉन की फीलिंग्स को सुनकर रो रही थी और वो बिना कुछ बोले ही फ्लाइट में चली जाती है। वही हम देखते हैं कि फ्लाइट में जंग की आत्मा भी है, जहाँ तभी मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट को वापस से एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है। फ्लाइट कैंसिल की खबर जॉन को भी लग गई थी और वो छुप कर भाग रही सरी को पकड़ लेता है। फिर एंड में सरी भी अपनी फीलिंग्स जॉन को बता देती है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। वहाँ से जाने से पहले वो दोनों जंग को देखते हैं, जो कि वहाँ खड़ी उन्हें ही देख रही थी, जहाँ पर दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दोनों एक साथ में मिलकर जंग का सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों वो तो जानते ही नहीं थे कि जंग ने ही मौसम को खराब किया था ताकि वो उन दोनों को बिछड़ने से बचा सके, यानी कि ये सारा प्लान जंग का ही था ताकि वो उन दोनों को फिर से मिलवा दे। फिर वही हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जंग की आत्मा के साथ में डोंग फ्लर्ट कर रहा था और वो जंग की आत्मा को गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिससे फ्लर्ट कर रहा है वो एक आत्मा है। सो गाइस यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मुझे मूवी बहुत ही ज्यादा लिटरली पसंद आई, इसका कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था, प्यार से भरा हुआ था, थोड़ा सा डरावना था और काफी रोमांटिक भी था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको भी ये अच्छा लगा, और दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।